हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ये वीडियो बहुत दिनों बाद क्यों बना रहा हूं और इतने दिनों से कहां था और क्यों वीडियो आपके लिए नहीं बना रहा था। तो उसका रीज़न ये है कि दोस्तों, मैं बहुत सारे चैनल को अभी ऑपरेट कर रहा हूँ, तो ऐसे में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं इस चैनल पर वीडियो बनाऊं। और दोस्तों, ये चैनल पता नहीं किस घड़ी में बनाए, कौन सी स्थिति में बनाए कि इस पर जो वीडियो डालते हैं वो ज़्यादातर वायरल नहीं होते हैं, मतलब ज़्यादा चलते भी नहीं हैं। तो इस वजह से मैंने बहुत सारे चैनल और भी क्रिएट कर लिए हैं, तो मैं उन पर काम करता रहता हूँ, तो इस वजह से यहाँ टाइम नहीं दे पाता हूँ। तो लेकिन अब मैंने सोचा है कि आपके लिए कभी कभी जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं आपके लिए कोई इंटरेस्टिंग, जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात होगी मैं आपके लिए वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। तो आज की बात यह है कि एक हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके पास कॉपीराइट का क्लेम आ गया है और उन्होंने मेरे लिए एक वीडियो बनाने के लिए बोला है कि आप हमें वीडियो बनाइए और बताइए कि किस तरह से कॉपीराइट क्लेम को हटाते हैं। तो आज के वीडियो में केवल आपको मैं इतना बताऊंगा कि वो कॉपीराइट क्लेम जो हुआ है वो किस तरह का है, हमें कैसे पहचानना है कि जो कॉपीराइट हमारे पास क्लेम आया है वो रियल आया है या फेक आया है। और दूसरी, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो टॉपिक नाम से चैनल होते हैं वो कैसे होते हैं और उन्हें कौन बनाता है, और अगर उस चैनल से क्लेम अगर हमारे पास आ जाए, कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आ जाए, तो हमें क्या करना है। तीसरी बात हम करेंगे कि जो YouTube ऑटो जनरेटेड बाय YouTube चैनल जो होते हैं उन्हें कौन बनाता है या किस तरह से वो चलते हैं। तो मैं आपको बता दूँ गाइस कि जब भी कोई ऐसा कंटेंट आता है जो अचानक से वायरल हो जाता है, या ऐसा टॉपिक जो कि अचानक से लाखों करोड़ों बार लोगों ने देखा होगा, अचानक से वो वायरल हो जाता है, तो ऐसे टॉपिक पर YouTube जो है वो एक चैनल बना देता है। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो रियल बात बता रहा हूँ। YouTube जो है वो चैनल बना देता है, और उस चैनल पर जब आप जाओगे तो वहाँ टॉपिक नाम से आएगा, यानी टॉपिक लिखा हुआ आएगा। जैसे मान लीजिए कोई सिंगर है जुबिन नौटियाल, तो वहाँ जुबिन नौटियाल टॉपिक लिखा हुआ रहेगा, या फिर नेहा कक्कर, मान लीजिए नेहा कक्कर टॉपिक लिखा रहेगा, तो उस पर वीडियो जो डले रहेंगे तो उन वीडियो के सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि वो वीडियो नहीं है, बस प्ले लिस्ट है एक। और दूसरी बात, उसके सब्सक्राइबर भी सो रहते हैं, और जब आप उसके अबाउट में जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑटो जनरेटेड बाई यूट्यूब। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ चैनल जो है कैसे हैं, और उनसे अगर हमें कॉपीराइट क्लेम मिले तो हमें क्या करना है, किस तरह से बचना है। तो जैसे मैं अभी सर्च करता हूँ जुबिन नौटियाल टॉपिक, तो मैंने ये सर्च किया और यहाँ पर एक फ़िल्टर भी लगा दिया, और फ़िल्टर लगाते हैं हम चैनल का, तो इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसमें एक जो ऊपर चैनल आ रहा है वो तो जुबिन नौटियाल जी का है, और दूसरा है टॉपिक नाम से, देख सकते हैं जुबिन नौटियाल टॉपिक। और टॉपिक इस पर जब हम क्लिक करते हैं गाइस, तो यहाँ देख सकते हैं इसमें केवल तीन सेक्शन आ रहा है, होम, प्लेलिस्ट और अबाउट। तो यहाँ जैसे ही हम प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई वीडियो नहीं शो रहा है, बस इनमें प्लेलिस्ट में ही वीडियो आ रहे हैं, यानी इनका वीडियो का सेक्शन ही बंद है। जिस तरह हमारे चैनल पर वीडियो का एक लाइन रहती है, यानी वीडियो जुड़े रहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। दूसरा, जब हम अबाउट में जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो जनरेटेड बाई यूट्यूब लिखा हुआ है। तो इन चैनल की जो पहचान है वो इस तरह से करेंगे। अगर इस चैनल से किसी पर कॉपीराइट क्लेम गया है तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अभी एक बुंदेलखंड में एक शख्सियत है, एक सूरदास जी हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, यानी आज से लगभग 10-15 दिन पहले इनको कोई नहीं जानता था, लेकिन अभी कुछ एक दिनों से उन्होंने वीडियो बनाए हैं। वो बुंदेलखंड, जो मध्य प्रदेश और यूपी का एक क्षेत्र है, वहाँ पर एक बुंदेलखंड क्षेत्र है, और उसमें वो अपनी लैंग्वेज में जो भी वीडियो बनाते रहते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उनके वीडियो डालते से ही वो वीडियो लाखों में, करोड़ों में, मिलियनों में पार कर रहे हैं। तो ऐसे में गाइस, उनके नाम से यूट्यूब ने एक चैनल बना दिया। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सूरदास जी टॉपिक। तो सूरदास जी टॉपिक मैंने लिखा है, तो यहाँ देख सकते हैं सबसे ऊपर एक चैनल आ रहा है सूरदास जी टॉपिक, और इसमें 9 वीडियो शो कर रहा है और 309 सब्सक्राइबर हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं इसमें केवल प्लेलिस्ट आ रही है, और प्लेलिस्ट में ही ये वीडियो आ रहे हैं, एक एक सब वीडियो की प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो पड़े हुए हैं, और यहाँ पर लगभग 9-10 वीडियो होंगे, इनकी एक प्लेलिस्ट बन चुकी है अलग अलग,
और जब हम इसके अबाउट में भी जाएंगे तो वही जो बात मैं आपको बता रहा था, इसमें लिखा हुआ है ऑटो जनरेटेड बाई यूट्यूब। तो हुआ क्या है, ये अचानक से वायरल हो गए तो यूट्यूब ने इनके लिए एक अलग से चैनल बना दिया। और जो लोगों ने इस टाइप का वीडियो डाला और इनके जो वीडियो डाले हैं उन पर सभी के पे कॉपीराइट का एक क्लेम चला गया। तो अब उस क्लेम को अगर आपको हटाना है तो आपके लिए क्या करना है, वहाँ पर अपने या तो कंप्यूटर में अपने चैनल को ओपन कर लेना है या फिर अपने मोबाइल में ही क्रोम ब्राउज़र में ओपन करके उसको डिस्प्यूट कर देना है। जब आप वहाँ जाएंगे, अगर आपको इस तरह से कॉपीराइट क्लेम नहीं हटाना आता है तो मेरे लिए कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा और उसमें टोटल आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस तरह से आपको उस क्लेम को हटाना है। तो यानी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा काम जो कॉपीराइट क्लेम है वो आपके लिए हानिकारक नहीं है, बस एक वो अचानक से वायरल हो गया, इस वजह से आपके लिए एक नया चैनल बन गया वो और आपके लिए उसका कॉपीराइट आ गया। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप समझ गए हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूँ आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।